बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ। शुएब ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं, गो हम उसको मकरूह ही समझते हैं। हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी, और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मजहब में फिर आ जाएं, लेकिन हाँ ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहित है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुआफिक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। और उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर शुएब की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी उनकी ये हालत हो गई जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी वही खसारे में पड़ गए। उस वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाने लगे कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैरखाही की, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहां तक कि उनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबाओ अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी तो हमने उनको दफतन पकड़ लिया और उनको खबर भी न थी। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकजीब की तो हमने उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़े जिस वक्त वो सोते हों? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े जिस वक्त के वो अपने खेलों में मशगूल हों? क्या बस वो अल्लाह की उस पकड़ से बेफिक्र हो गए सो अल्लाह की पकड़ से बजिज उनके जिनकी शामत ही आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता? और क्या उन लोगों को जो जमीन के वारिस हुए वहां के लोगों की हलाकत के बाद ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो उनके जराइम के सबब उनको हलाक कर डालें और हम उनके दिलों पर बंद लगा दें बस वो ना सुन सके? उन बस्तियों के कुछ कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और उन सब के पास उनके पैगंबर मौजजात लेकर आए, फिर जिस चीज को उन्होंने इब्तिदा में झूठा कह दिया ये बात ना हुई कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह काफिरों के दिलों पर बंद लगा देता है। और अक्सर लोगों में हमने वफाए अहद ना देखा और हमने अक्सर लोगों को बेहुकुम ही पाया। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, मगर उन लोगों ने उनका बिल्कुल हक अदा न किया, सो देखिए उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा ने फरमाया कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से
पैगंबर हूं। मेरे लिए यही शायान है कि बजिस सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब न करूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूं, सो तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजजा लेकर आए हैं तो इसको अब पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना असा डाल दिया, सो दफ़तन वो साफ एक अजदहा बन गया, और अपना हाथ बाहर निकाला सो वो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। कौम फिरौन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा कि वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मशवरा देते हो। उन्होंने कहा कि आप उनको और उनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हर कारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दे। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए, कहने लगे कि अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। उन साहिरों ने अर्ज किया, क्या ए मूसा, खा आप डालिए या हम ही डालें। मूसा ने फरमाया कि तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरबंदी कर दी और उन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया। और हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए, सो असा का डालना था कि उसने उनके सारे बने हुए खेल को निगलना शुरू कर दिया। बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग उस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे, और वो जो साहिर थे सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का भी रब है। फिरौन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं, बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमलो दरामद हुआ है ताकि तुम सब इस शहर से यहां के रहने वालों को बाहर निकाल दो, सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएंगे, और तूने हम में कौन सा ऐब देखा है बजिज इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए जब वो हमारे पास आए। ऐ हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल। और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा, क्या आप मूसा और उनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहे। फिरौन ने कहा कि हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे, और हमको उन पर हर तरह का जोर है। मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सब्र करो, ये जमीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे, और अखीर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। और हमने फिरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में और फलों की कम पैदावारी में
ताकि वो नसीहत कबूल करें। सो जब इन पर खुशहाली आ जाती तो कहते कि ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर इनको कोई बदहाली पेश आती तो मूसा और उनके साथियों की नहूसत बतलाते। याद रखो कि उनकी नहूसत अल्लाह के पास है, लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते और यूं कहते, कैसी ही बात हमारे सामने लाओ कि उनके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज न मानेंगे। फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, कि ये सब खुले खुले मौजजे थे। सो वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। और जब इन पर कोई अजाब वाकई होता तो यूं कहते कि ऐ मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है, अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर जरूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब उनसे उस अजाब को एक खास वक्त तक कि उस तक उनको पहुंचना था हटा देते तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। फिर हमने उनसे बदला लिया, यानी उनको दरिया में गर्क कर दिया, इस सबब से कि वो हमारी आयतों को झुठलाते थे और उनसे बिल्कुल ही गफलत करते थे। और हमने उन लोगों को जो कि बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे इस सरजमीन के पूरब पश्चिम का मालिक बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है, और आपके रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। और हमने फिरौन के और उसकी कौम के साख्ता परदाख्ता कारखानों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे सबको दरहम बरहम कर दिया। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया, बस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे, कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए जैसे उनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया कि वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है, ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज कर दूं? हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मजीद से उन 30 रातों को पूरा किया, सो उनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इसलाह करते रहना और बदनज़्म लोगों की राय पर अमल मत करना। और जब मूसा हमारे वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे बातें की तो अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, अपना दीदार मुझको करा दीजिए कि मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ कि तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। बस जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखचे उड़ा दिए और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात मुनज्जा है, मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूं।
और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूं। इरशाद हुआ कि ऐ मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज दिया है, तो जो कुछ तुमको मैंने अता किया है उसको लो और शुक्र करो। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील उनको लिख कर दी, तुम उनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मकाम दिखलाता हूं। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरकश्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिसका उनको कोई हक हासिल नहीं, और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो उन पर ईमान ना लाएं, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो इसको अपना तरीका न बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लें। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे वाफिल रहे। और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और कयामत के पेश आने को झुठलाया, उनके सब काम गारत गए, उनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा की कौम ने उनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया, जो कि एक कालिब था जिसमें एक आवाज थी। क्या उन्होंने ये न देखा कि वो इनसे बात नहीं करता था और ना उनको कोई राह बतलाता था? उसको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया। और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारे गुनाह माफ न करे तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम की तरफ वापस आए गुस्से और रंज में भरे हुए, तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी जानिशानी की, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ घसीटने लगे? हारून ने कहा कि ऐ मेरी मां जाए, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डाले, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों की जील में मत शुमार करो। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता माफ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की उन पर बहुत जल्द उनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दीनवी जिंदगी ही में पड़ेगी, और हम इफ्तिरा परदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो उनके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला, रहमत करने वाला है। और जब मूसा का गुस्सा फर्द हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया और इनके मजामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए, सो जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो तू इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे,
तू ही हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा, और तू सब माफी देने वालों से ज्यादा अच्छा है। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब उसी पर वाके करता हूं जिस पर चाहता हूं, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है, तो वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो लोग ऐसे रसूल नबी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों को उन पर हराम फरमाते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौब थे उनको दूर करते हैं। सो जो लोग उस नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूं जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और जमीन में है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। सो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसके नबी पर जो कि अल्लाह ताला पर और उसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और उनका इत्तबा करो ताकि तुम राह पर आ जाओ। और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और उसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है, और हमने उनको 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी, और हमने मूसा को हुक्म दिया जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा कि अपने असा को फला पत्थर पर मारो, बस फौरन उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया, और हमने इन पर अब्र को साया फगन किया और उनको मनोसलवा पहुंचाए, खाओ नफीस चीजों से जो कि हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे। और जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ और उससे जिस जगह तुम रगबत करो, और जबान से ये कहते जाना कि तौबा है, और झुके झुके दरवाजों में दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। जो लोग नेक काम करेंगे उनको मजीद बरा और देंगे। सो बदल डाला उन जालिमों ने एक और कलमा जो खिलाफ था उस कलमे के जिसकी उनसे फरमाइश की गई थी, उस पर हमने उन पर एक आफत समावी भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया करते थे। और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों का जो कि दरियाए शूर के करीब आबाद थे उस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ता के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि उनके हफ्ते के रोज तो उनकी मछलियां जाहिर हो होकर उनके सामने आती थीं, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो उनके सामने ना आती थीं। हम उनकी इस तरह आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। और जबकि उनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या उनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उज्र करने के लिए, और इसलिए
कि शायद ये डर जाएं। सो जब वो इसको भूल गए जो उनको समझाया जाता था, तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और उन लोगों को जो ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया। इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, यानी जब वो जिस काम से उनको मना किया गया था उसमें हद से निकल गए, तो हमने उनको कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। और वो वक्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूद पर कयामत तक ऐसे शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सजाए शदीद की तकलीफ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्द ही सजा दे देता है, और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में उनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बाज उनमें नेक थे और बाज उनमें और तरह थे, और हम उनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे कि शायद बाज आ जाए। फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए कि किताब को उनसे हासिल किया, वो इस दुनियाए फानी का मालो मता ले लेते थे और कहते हैं कि हमारी जरूर मग़फ़िरत हो जाएगी, हालांकि अगर उनके पास वैसा ही माल मता आने लगे तो उसको भी ले लेंगे। क्या उनसे इस किताब के इस मज़मून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ बजिज़ हक बात के और किसी बात की निस्बत न करें, और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया। और आखरत वाला घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपनी इस्लाह करें सवाब जाया न करेंगे। और वो वक्त भी काबिले जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह उनके ऊपर मौल्लक कर दिया, और उनको यकीन हो गया कि अब उन पर गिरा, और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है उसे मजबूती के साथ कबूल करो, और याद रखो कि जो अहकाम उसमें हैं उससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और जब आपके रब ने औलादे आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतालिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग कयामत के रोज यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डाल देगा? हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं और ताकि वो बाज आ जाएं। और लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी फिर उनसे बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराहों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा, सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी हांपे, या इसको छोड़ दे तब भी हांपे। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयात को झुठलाते हैं और वो अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है
सो हिदायत पाने वाला वही होता है, और जिसको वो गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो इसके नामों में कजरवी करते हैं। उन लोगों को उनके किए की जरूर सजा मिलेगी। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुवाफिक हिदायत करती है और उसके मुवाफिक इंसाफ भी करती है। और जो लोग हमारी आयात को झुटलाते हैं हम उनको बतदरीज गिरफ्त में लिए जा रहे हैं इस तौर पर कि उनको खबर भी नहीं, और उनको मोहलत देता हूं बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर न किया कि उनके साथी को जरा भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और जमीन के आलम में और दूसरी चीजों में जो अल्लाह ने पैदा की है, और उस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब ही आ पहुंची हो, फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला उनको उन्हीं की गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। ये लोग आपसे कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वकू कब होगा, आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है, उसके वक्त पर उसको सिवाय अल्लाह के कोई और जाहिर न करेगा। वो आसमानों और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी तहकीकात कर चुके हैं, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी जात खास के लिए किसी नफे का इख्तियार नहीं रखता और ना किसी जरर का, मगर इतना ही कि जितना अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से मुनाफे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझको ना पहुंचता। मैं तो महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूं उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तन वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उस अपने जोड़े से अनस हासिल करे। फिर जब मियां ने बीवी से कुर्बत की तो इसको हमल रह गया हल्का सा, सो वो इसको लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियां बीवी अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सालिम औलाद दे दी तो हम खूब शुक्रगुजारी करेंगे। सो जब अल्लाह ने दोनों को सही सालिम औलाद दे दी तो वो अल्लाह की दी हुई चीज में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे, सो अल्लाह पाक है उनके शिर्क से। क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा न कर सके और वो खुद ही पैदा किए गए हैं, और वो उनको किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते और वो खुद भी मदद नहीं कर सकते। और अगर तुम उनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें,
तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, ख्वाह तुम इनको पुकारो या तुम खामोश रहो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम्ही जैसे बंदे हैं, सो तुम उनको पुकारो फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो। क्या उनके पांव हैं जिनसे वो चलते हों, या उनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज को थाम सकें, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं? आप कह दीजिए तुम अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी जरा रसानी की तदबीर करो, फिर मुझको जरा मोहलत मत दो। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई, और वो नेक बंदों की मदद करता है। और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं, और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो उसको ना सुने, और इनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। आप दरगुजर को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारा हो जाएं। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं जब उनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, सो यकायक उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो शयातीन के ताबे हैं वो उनको गुमराही में खींचे ले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते। और जब आप कोई मौजजा उनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मौजजा क्यों ना लाए। आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूं जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है, गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ाया जाया करे तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। और ऐ शख्स अपने रब की याद किया कर अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज के साथ सुबह और शाम, और अहले गफलत में से मत होना। यकीनन जो तेरे रब के नजदीक हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते हैं। सदकल्लाहुल अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गनीमतों का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो उनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज्यादा कर देती हैं, और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं, और हमने उनको जो कुछ दिया है वो इसमें से खर्च करते हैं। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास, और मग़फ़िरत और इज्जत की रोजी है। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात उसको गरा समझती थी, वो इस हक के बारे में इसके बाद के
आपसे इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कोई उनको मौत की तरफ हां के लिए जाता है और वो देख रहे हैं। और तुम लोग उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमसे उन दो जमातों में से एक का वादा करता था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि गैर मुसल्लाह जमात तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने अहकाम से हक का हक होना साबित कर दे और इन काफिरों की जड़ काट दे ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, गो ये मुजरिम लोग नापसंद ही करें। उस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे, और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि जबरदस्त हिकमत वाला है। उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुम पर ऊंग तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि उस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दफा कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे। उस वक्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूं, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी कुफार के कुलूब में रोप डाले देता हूं, सो तुम गर्दनों पर मारो और उनके पोर पोर को मारो। ये इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करता है सो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। सो ये सजा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नुम का अजाब मुकर्रर ही है। ऐ ईमान वालों, जब तुम काफिरों से दूबदू मुकाबिल हो जाओ तो उनसे पुश्त मत फेरना, और जो शख्स उनसे इस मौके पर पुश्त फेरेगा, मगर हां जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो वो मुस्तस्ना है, बाकी और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के गजब में आ जाएगा और उसका ठिकाना दोजख होगा, वो बहुत ही बुरी जगह है। सो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने वो फेंकी, और ताकि मुसलमानों को उनकी मेहनत का खूब एवज दे, बिला शुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये है, अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमजोर करना था। अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए निहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे जरा भी काम ना आएगी गो कितनी ज्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, और उसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो सुनते जानते हुए, और तुम उन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया हालांकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं। बेशक बदतरीन खलाइक अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग हैं जो बहरे हैं गूंगे हैं जो कि जरा नहीं समझते, और अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खूबी देखता तो उनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर उनको अब सुना दे तो जरूर रूगर्दानी करेंगे बेरुखी करते हुए।
ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाते हों, और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है, और बिला शुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है। और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो खास कर सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाकई न होगा जो तुम में से उन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और उस हालत को याद करो जबकि तुम जमीन में कलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच खसूट ना लें, सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस नफीस चीजें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक में जानते हुए खयानत मत करो और अपनी काबिले हिफाजत चीजों में खयानत मत करो। और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और इस वाकये का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर दें, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें, ये तो कुछ भी नहीं सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से मनकूल चली आ रही हैं। और जबकि उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकई कर दे, और अल्लाह ताला ऐसा न करेगा कि उनमें आपके होते हुए उनको अजाब दे, और अल्लाह उनको अजाब न देगा इस हालत में कि वो अस्तग़फार भी करते हैं। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सजा ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं जबकि वो लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं, उसके मुतवल्ली तो सिवा मुत्तकियों के और अशखास नहीं, लेकिन उनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और उनकी नमाज काबे के पास सिर्फ ये थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना, सो अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो। बिला शक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें, सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल उनके हक में बाई से हसरत हो जाएंगे, फिर मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस उन सबको इकट्ठा ढेर कर दे, फिर उन सबको जहन्नुम में डाल दे, ऐसे लोग पूरे खसारे में हैं। आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाएं तो उनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे, और अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कुफार साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है। और तुम उनसे उस हद तक लड़ो
کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔